हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखो। ये बोर्ड एग्जाम में आया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे रुधिर। रुधिर में क्या होता है? रक्त। रक्त यानी कि ब्लड। अब ब्लड किसे कहते हैं? खून को कहते हैं, ठीक है ना। सबका मतलब है खून, ब्लड, रुधिर, ठीक है। में शर्करा की मात्रा यानी कि जो रुधिर में शर्करा यानी कि मिठास की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कौन नियंत्रित यानी कि कौन कंट्रोल करता है, उस हार्मोन का नाम हमें बताना है। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। जो इंसुलिन हार्मोन होता है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन अग्नाशय या हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकोजन से ग्लूकोज का बनना होता है, जिसे ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम इसे समझते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन होता है, क्या होता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अब मैं आपको बताती हूँ अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है। तो देखिए, ये है अग्नाशय ग्रंथि, ये है, ठीक है ना। यहाँ से स्रावित होता है, ये मानव पाचन तंत्र का है, ठीक है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। तो आप क्या लिखोगे? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किसके? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकोजन से ग्लूकोज का बनना होता है। किससे? ग्लूकोजन से ग्लूकोज का बनना होता है, जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।